सिखों का महापर्व बैसाखी और सिख साजना दिवस मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी ने संपूर्ण समाज को महापर्व की बधाई दी है। आज ही के दिन गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी खालसा पंथ की स्थापना। सिखों को संपूर्ण समाज की रक्षा के लिए सौंपे थे पंच ककार। कच्छ कड़ा केश कृपाण और कंघा देकर सुसज्जित किया गया था सिख समाज को। वहीं नई फसल काटने के उपलक्ष्य में यह बैसाखी पर्व मनाया जाता है। मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी ने कोरोना महामारी के चलते अपील की है त्योहारों को उत्साह से मनाएं, किंतु सरकारी निर्देशों की पालना जरूर करें। उन्होंने कहा कि सिख समाज ने संपूर्ण समाज की रक्षा के लिए अतुलनीय योगदान दिया है, ऐसे में इस समय में भी धैर्य का पालन करते हुए लॉकडाउन का पालन किया जाए। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। खालसा साजना दिवस यानी बैसाखी पर्व की समूह सिख साथ संगत मु मेरी तरफ तो लख लख बधाइयां होन जी। इस पावन पर्व पर पूरे विश्व में इसको श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। मैं आप सबको बधाई देने के साथ ये भी आपसे विनती करना चाहता हूं कि आज जिस तरीके से कोरोना वायरस का प्रकोप पड़ा हुआ है, तो ऐसे में हम इस पर्व पर कोई उत्साह से मनाएं, लेकिन नियम कायदे कानून और एडवाइजरी जो सरकार ने जारी की है उसको मद्देनजर रखते हुए हम लोगों को इकट्ठा नहीं होने दें। हम दिए जलाएं लेकिन इकट्ठे होकर नहीं जलाएं। हम जो खुशी मनाएं उसको इकट्ठे होकर नहीं मनाएं। और सिख समाज की तो हमेशा से परंपरा रही है, जब जब भी मानव मात्र के लिए या समाज के लिए या देश के लिए जब जब भी कोई संकट आया है, सिख समाज ने हमेशा आगे बढ़कर उसके अपनी जान की बाजी लगा के उनका मुकाबला किया है। तो मैं आप सारे सिख समाज से जो आज देश की सेवा कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, उनको उस सेवा के लिए धन्यवाद भी देता हूं और बैसाखी के इस पर्व पर आपको हार्दिक बधाइयां देता हुआ सरकार की और जो चिकित्सा विभाग की उसकी एडवाइजरी के पालन करने की भी आपसे विनती करता हूं। मेरी ओर से बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।